all the electrifying VSL 9 action live on eSports. Don't miss out. Tera vaada agar wafa hoga. Tumne bahut kada waqt dekha, tabhi to Allah ne tumhe tumhari aazmaishon ka sila de diya, tabhi to usne tumhe Shayan se mila diya. इसका मतलब है बात पक्की समझू? हाँ भाई, अम्मी मैंने चेकअप करवाया था, रिपोर्ट सारी क्लियर आई है. रेहान ने कल खाने पर बुलाया, लगता है वो खुद भी हमारे साथ घुलना मिलना चाह रहा है. तो अम्मी मैं भी चलूंगी ना आपके साथ? अरे नहीं भाई, पहली मर्तबा उसके घर जा रहे, मैं और शायान जाएंगे अभी. तेरा वादा अगर वफा होगा. जरा तमीज नहीं है तुम्हें, बिना इजाजत के मेरे चीजें देख रही हो. वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बताएं कि ये किसके लिए लिया आपने? क्योंकि बिलाल के लिए तो ये आप लेने से रही. फिर माइंड योर ओन बिजनेस. जवाब दिए बगैर तो मैं आपको जाने नहीं दूंगी. तुम्हारी सिर्फ बिलाल के सामने चलती है, मैं तुम्हारी बात मानूंगी? ऐसा ना कभी हुआ था और ना होगा. बहुत हैरान हो रही हो मेरा कॉन्फिडेंस देख के, क्योंकि तुम तो यही चाहती थी कि मैं डिप्रेशन की मरीजा बनी अपने कमरे तक महदूद रहूं और तुम पूरे घर पे होल्ड कर लो. लेकिन तुम्हारी ये ख्वाहिश मैं पूरी नहीं होने दूंगी. तो अब तुम अपनी सारी उम्मीदों के खत्म होने का सोच मनाओ और कुछ और सोचो. और मैं ये बता दूं कि तुम्हारी ये हरकतें और बिलाल की लापरवाही अब मुझ पर कोई असर नहीं करेंगी. इसलिए बेहतर है तुम्हारे लिए कि तुम अपनी जिंदगी जियो और मेरी जिंदगी में मुदाखलत करने की कोई जरूरत नहीं. वाह भाई वाह, क्या कॉन्फिडेंस है. लेकिन ये बदलाव ऐसे ही नहीं आया आप में. यकीनन कोई तो है. तुम जैसे लोगों का यही मसला होता है, जो किसी को मुतमईन नहीं देख सकते और ना खुश देखना गवारा करते हैं. तुम सोचती रहो, आई डोंट केयर. आप भले लापरवाह हो गई हैं, लेकिन मुझे तो परेशान कर दिया ना आपकी बेफिक्री ने. कोई तो है सबके बीच. चाहते क्या हो तुम? तुम्हारी खुशी. मैं खुश हूं, लेकिन तुम बार बार मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी कर रहे हो फजूल में. दखल अंदाजी तब होती अगर तुम मुझे अपनी जिंदगी से निकाल चुकी होती. अच्छी तरह जानता हूं तुम चाहकर भी मुझे भूल सकती हो ना अपनी जिंदगी से निकाल सकती. मेरी ही गलती थी जो अब तुम्हारी खुशी के लिए पीछे हट गया. मेरी खुशी के लिए या अपने फ्यूचर के लिए? मेरी जिंदगी, मेरा फ्यूचर,
तुम्हारे बगैर जीरो था, जीरो है। तुम मुझे अपनी बातों में ट्रैप नहीं कर सकते, बल्कि मुझे तुम्हारी बातें सुननी ही नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि अपने किए की वजाहतें मत दिया करो। बिना किए हुए गुनाहों का बोझ उठाते उठाते थक चुका हूं मैं। शगुफ्ता, जी बीबी जी, वो घर की जरा सारी चाबियां लेकर आओ, अभी लाती हूँ। बीबी जी, ये रखो और तुम जाओ। जी मारिया, तुम यहाँ सैम के कमरे में क्या कर रही हो? बिलाल, सैम शॉपिंग पे गई थी और वो किसी के लिए वॉच खरीद के लाई है। अरे अगर ऐसा है भी तो तुम्हें सैम के कमरे में नहीं आना चाहिए था। तुम देखो ना, सब कुछ लॉक करके गई है। So what? समझ नहीं रहे हो बिलाल? मैं वाकई नहीं समझ पा रहा कि तुम्हारे साथ मसला क्या है। मुझे 100% यकीन है कि सैम की जिंदगी में कोई है। मारिया, अगर ऐसा है भी तो तुम क्यों परेशान हो रही हो? अरे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, मुझे सैम पर इतना यकीन है कि वो किसी ऐसे वैसे को अपनी जिंदगी में अहमियत नहीं देंगी। बहुत मैच्योर है वो, और यकीनन अगर ऐसा होता तो वो मुझसे जरूर डिस्कस करती। मुझे पूरा यकीन है कि सैम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आई डोंट केयर, एटलीस्ट सैम को अपनी जिंदगी पर इतना हक तो है ना कि वो अपने फैसले खुद ले सके। फिर भी बिलाल, प्लीज तुम चलो यहाँ से। अगर सैम ने तुम्हें अपने कमरे में देख लिया तो बहुत गुस्सा होंगी। चलो। शहीद, क्या चेकबुक ढूंढ रहे हैं? हो सकता है वो आप अपने साथ ऑफिस ले गए हो। मेरी याददाश्त इतनी बुरी नहीं है कि मैं चेकबुक ऑफिस में रखकर उसे घर पे ढूंढूं। अच्छा फिर हटे, मैं देख लेती हूँ। नगीन, तुम मुझे और डिस्टर्ब कर रही हो। शहीद, मैं तो सिर्फ आपकी मदद करना चाहती हूँ। तुम सच में मेरी मदद करना चाहती हो ना, तो चले जाओ यहाँ से। जाओ जाके घर के काम करो, क्योंकि तुम वही बेहतर तरीके से कर सकती हो। अब जाओ यहाँ से।
अम्मी मैंने चेकअप करवाया था, रिपोर्ट सारी क्लियर आई है। माशाल्लाह घर तो बहुत अच्छा है तुम्हारा। होगा भी क्यों नहीं खाला, इसकी एक एक चीज मैंने खुद पसंद की। बेटा तुमने घर सेट कर लिया, कारोबार सेट कर लिया, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारी जिंदगी बहुत वीरान सी लग रही है। सच कहूं तो मैं बहुत शर्मिंदा हूं तुम्हारे सामने, बाजी के सामने। कभी कभी मैं ये सोचती हूँ कि रोज़े महशर में मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी, क्या मुंह दिखाऊंगी कि मेरी वजह से उनके बेटे की खुशियां बर्बाद हो गई। जवाब सिर्फ उन्हें नहीं, सारा को भी देना है बाप को, क्योंकि मैं उसकी बेरुखी, उसकी नफरत को मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसे भी तो पता चले उसकी नफरत का असल हकदार मैं नहीं, आप हैं। हाँ बेटा, मैं भी यही चाहती हूँ कि सारी हकीकत अब खुलकर सबके सामने आ जाए। मैं सच्चे दिल से यही चाहती हूँ कि जाने अनजाने में मुझसे जो भी गलतियां हुई हैं, मैं किसी भी तरह उन्हें सुधार लूं। मेरी सारा खुश नहीं है अली के साथ, वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। पता नहीं उस वक्त मेरी अकल पर कैसे पर्दे पड़ गए थे जो मैं हीरे को नहीं पहचान सकी और तुम्हें ठुकरा कर गलती कर बैठी। गलती तो आपसे हुई है खाला, मगर अब पुरानी बातों को दोहराने का क्या फायदा। हाँ बेटा तुम ठीक कह रहे हो, गए वक्त और जज्बाती पन में किए गए फैसले इंसान को सिवाय पछतावे के और कुछ नहीं देते। आपका पछताना तो बनता है। रही बात सारा की, वो तो अली के साथ बहुत खुश लगी मुझे। तुम अली को कहाँ मिले? ऑफिशियल डिनर पर आई थी अपने हस्बैंड के साथ, मुझे तो सारा बहुत खुश लगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी मेरे साथ हुआ करती थी। मुतमाइन, सुकून भरी मुस्कान लिए खुश। बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा, वो तुम्हारे ही साथ तो खुश थी। खाला वक्त ने ना बहुत बदल दिया मुझे, अब मैं पहले की तरह अपनों पर आंखें बंद करके भरोसा नहीं करता।
अब मेरी जिंदगी तो तबाह कर ही चुकी है, लेकिन मैं आपको सारे की खुशियों को आग लगाने नहीं दूंगा। पहले ही आपकी वजह से मैं सारा की नजरों में बहुत गिर चुका हूं। मजीद मैं अपना मुकाम नहीं खोना चाहता। साहब खाना लगा दिए। शुक्रिया। बाकी ये खाना खाकर जाइए। आइए खाना खाइए। चलो शे कैसी लग रही हो मैं? हाँ अच्छी लग रही हो। कुछ अपसेट लग रहा है, क्या बात है? क्या बात है शहीद? ये यार कुछ नहीं है, ऐसी बस वर्क रिलेटेड इश्यूज। खैर ये सारे मामला तो जिंदगी में चलते रहेंगे। तुम बताओ कल की सारी तैयारियां कंप्लीट? तैयारियां कैसी? सिर्फ मैं ही तो हूँ और मैं तैयार। मॉम और डैड होते तो वो मेरी खुशी में खुश होते, बिलाल भी खुश होता। लेकिन अब वो इतना बेगाना हो गया है कि उससे अपनी खुशी में शरीक करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। सैम जब बिलाल को तुम्हारी परवाह है ही नहीं तो क्यों उसके बारे में सोचकर अपने दिल को अफसरदा कर रही हो? ये लम्हा हमें बहुत नसीब से मिला है, वरना तुम्हें पाने का ख्याल तो मैं कब का दिल से निकाल चुका था। मुझे यही लगता था कि शायद अब हम एक दूसरे से कभी ना मिले। जब मिलना नसीब में हो तो सब हम बन ही जाते हैं। तुम्हें पता मंगनी से एक दिन पहले आई थी वो मेरे घर, तो मम्मी के साथ शॉपिंग पर गई हुई थी। उस दिन उन्होंने मेरा एतमाद, मेरा प्यार एक झटके में मुझसे छीन लिया। अरे वाह भाई, आज तो बड़ी रौनक लगी हुई मेरे घर में। आपकी बेटी रौनक लगाने नहीं, आपसे लड़ने आई है। तेरा वादा अगर वफा। अम्मी के घर आई वाली चले। ओके अल्लाह हाफिज। ये तो अच्छा हो गया बिलाल मुझे यहाँ ड्रॉप करके चला गया और तुमसे मुलाकात हो गई, वरना तो वो ऑफिशियल डिनर में बिजी होता और मैं घर में बोर हो रही होती। क्या हुआ, मूड क्यों ऑफ है? अम्मी की वजह से मूड ऑफ है इनका। क्यों, अब क्या कर दिया उन्होंने? डिनर पे गई है रेहान के घर। सारा अभी आप इतना गुस्सा क्यों हो रही है इस बात पर? रेहान भाई का अकेलापन देखकर ही तो वो उनसे मिलने गई हैं, और खाला के गुजर जाने के बाद उनका हमारे सिवा और है ही कौन। मुझे लगता है मम्मी आ गई हो, मैं देख के आती। सारा फरा ठीक ही तो कह रही है, वो भले तुमसे रिश्ता तोड़ के चला गया हो लेकिन
अम्मी से तो रिश्ता उसका अभी भी बाकी है ना। तुम भी शुरू हो गई? अरे वाह भाई, आज तो बड़ी रौनक लगी हुई मेरे घर में। आपकी बेटी रौनक लगाने नहीं, आपसे लड़ने आई है। क्या जरूरत थी आपको रेहान के घर जाने की? अरे भाई, जरूरतन रिश्ते नहीं निभाए जाते। वो बेचारा तो तरसा हुआ अपनों के लिए। उसने इतने प्यार से मुझे बुलाया था कि मैं इनकार नहीं कर सकी। अरे आप इसे छोड़े, आप बताएं डिनर कैसा था। अरे भाई बहुत आवभगत की, तरह तरह के पकवान सजा रखे थे टेबल पर उसने। उसका तो डाइनिंग हॉल इतना बड़ा था जितना ये कमरा है। क्या वाकई उसके पास इतना पैसा आ गया? मुझे तो लग रहा था हमें शो मार रहा है। अरे नहीं नहीं, वो ठीक ठाक पैसा कमा कर आया बाहर से, तभी तो वो इतने आलीशान बंगले में रह रहा। अगर ऐसी बात है तो अगली दफा मैं भी चलूं उनका घर देखने। क्या हो, क्या गया है आप सबको? भूल गए जो उसने खाला के साथ किया? भूल गए जो मेरे साथ किया? सारा, जो गुजर गया उसे भूल जाना ही बेहतर है। अम्मी, आप ही ने उसके जाने पे मुझे कहा था ना कि मैं उसे भूल जाऊं, और आज आप ही कह रही हैं कि उसने जो किया वो भूल जाओ। हाँ कह रही हूँ मैं ऐसा, क्योंकि मैं तुम्हारी खुशियां चाहती हूँ, और मैं जानती हूँ कि तुम सारी जिंदगी रेहान के साथ खुश रह सकती, और वो भी तो यही चाहता है। क्या हो गया है अम्मी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? क्या गलत कहा, सारी हकीकत तो लोगों के सामने। अली के पास अब है ही क्या? ले देकर एक छोटी मोटी नौकरी, छोटी सी तनख्वाह, जिसमें इसकी खुशियां ख्वाहिशात कभी पूरी नहीं हो सकती। वो पैसे बचाएगा या इसकी ख्वाहिशात पूरी करेगा? जब रेहान राजी है इसे अपनाने के लिए, तो इसे भी चाहिए ना कि ये समझदारी से काम ले। अगर दोनों अपनी अधूरी खुशियां पूरी कर ले तो इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है अम्मी, फर्क पड़ता है, क्योंकि मेरे लिए पैसा, ख्वाहिशें, ये चीजें मायने नहीं रखती हैं। मेरे लिए जो मायने रखते हैं वो है प्यार, वफादारी, एहसास। वो एहसास जो अली ने मेरा तब किया जब हमारे दरमियान कोई रिश्ता भी नहीं था। मेरे हर बुरे वक्त में अली ने मेरा साथ दिया है, और आज आप कह रही हैं कि अली पे बुरा वक्त आया तो मैं उनका साथ छोड़ दूं? इतनी खुदगर्ज नहीं हूं मैं अम्मी। ये जो आप सोच रही हैं ना रेहान के बारे में, अपने दिलो दिमाग से निकालते हैं आप। सारा, जिंदगी जज्बाती पद से नहीं गुजरती। कभी कभी इंसान को अपने दिल के खिलाफ जाकर तल्ख फैसले लेने पड़ते हैं। तुम रेहान के साथ बहुत खुश रहोगी। अगर आपको मेरी खुशी की इतनी फिक्र है ना, तो खुदा का वास्ता ये ख्याल अपने दिलो दिमाग से निकाल दे। मैं खुश और मुतमईन हूं अपनी जिंदगी में। सारा, सारा मेरी बात सुनो। रुको सारा, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ये सब क्या था अम्मी? अपनी औलाद की खुशियों का लालच माओ को ऐसे ही खुदगर्ज बना देता है। आपकी इस खुदगर्जी ने ना सारा की पहले भी खुशियां बर्बाद की, और आप फिर से वही गलती दोहराना चाहती हैं? मैं अपनी गलतियां दोहरा नहीं रही। हाल बत्ता जो कोताहियां मुझसे हुई है ना, उन्हें दुरुस्त करने की कोशिश कर। जो जिंदगी रेहान सारा को दे सकता है ना, वैसी आसाइशें सारी जिंदगी अली कभी सारा को नहीं दे सकेगा। तुम मेरे लौटने का इंतजार मत करना, क्योंकि शायद अब मैं वापस ना आऊं कभी भी। सारा चुप कर जाओ, मैं अब तुम्हारी आंखों में रेहान की वजह से आंसू न देखूं। मैं तुम्हारी खुशियां चाहती हूँ, और मैं जानती हूँ कि तुम सारी जिंदगी रेहान के साथ खुश रह सकती हो। जब रेहान राजी है इसे अपनाने के लिए, तो इसे भी चाहिए ना कि ये समझदारी से काम ले। अगर दोनों अपनी अधूरी खुशियां पूरी कर ले तो इससे क्या फर्क पड़ता है? या मेरे मालिक, खाला के जाने का दुख और रेहान के छोड़ जाने की तकलीफ मैं सह चुकी हूँ एक बार, फिर क्यों मेरी ही अपने मुझे अजियत देने पर तुले हैं? क्यों नहीं समझ रही अम्मी, मैं खुश हूँ अली के साथ। मेरा रेजिग्नेशन लेटर। रेजिग्नेशन? क्यों?
क्योंकि मैं तुम जैसे खूबगर्ज इंसान को देखना भी नहीं चाहती हूँ। ऐसे क्या खुदगर्जी देख ली तुमने मेरी? ज्यादा अनजान बनने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि मेरी अम्मी को अपने साथ शामिल करके तुम मुझे हासिल कर लोगे तो ये तुम्हारी गलत फहमी, क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा किसी को भी छोड़ने, लेकिन मेरे लिए अली को छोड़ना तो दूर की बात, ऐसे सोचना भी गुनाह है। इसलिए बेहतर होगा कि तुम अपनी प्लानिंग्स खुद तक ही महदूद रखो, अम्मी को इसमें शामिल करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मुझे किसी भी ऐसी प्लानिंग का हिस्सा बनने की जरूरत नहीं है जिसमें तुम मेरी हो सको, क्योंकि तुम्हें पाने की ख्वाहिश बहुत अरसा पहले ही मैं अपने दिल में दफना चुका। और अगर इतने खुदगर्ज होता ना मैं, तो कभी भी खाला के कहने पर अपनी खुशियों से मुंह मोड़ कर नहीं जाता मैं। क्या कह रहे हो तुम? वही सच जो तुमसे कभी नहीं कह सका। तुम मेरी दस्तरस में थी सारा, तब मैंने तुम्हें नहीं अपनाया, अब तो तुम किसी और की हो चुकी हो, तो अब मैं क्यों तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करूंगा? ना बुरा नहीं हुआ सारा जितना तुमने मुझे समझ लिया। हाँ लेकिन जज्बाती और बेवकूफ जरूर हूं, इसलिए तो फिर अल्लाह की बात माननी ही गलती कर। तुम्हें पता मंगनी से एक दिन पहले आई थी वो मेरे घर, तुम मम्मी के साथ शॉपिंग पर गई हुई थी। उस दिन उन्होंने मेरा एतमाद, मेरा प्यार एक झटके में मुझसे छीन लिया। मेरी एक दोस्त है रुखसान, उसने अपने बेटे का रिश्ता लिया सारा के लिए। वो खाते पीते लोग हैं, अपना गाड़ियों का कारोबार है उनका। मेरी सारा जो तुम्हारे साथ रहते हुए अपनी खुशियों को तरसेगी, हम उसी लड़के के साथ अपनी जिंदगी तो जी लेगी। मैंने बात सारा को नहीं मानी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो रिश्ते निभाने वाली लड़की मेरी बात कभी नहीं मानेगी। आप क्या चाहती हैं? तुम इनकार कर दो। क्या करता मैं? उन्होंने मुझे एहसास दिलाया कि मेरा साथ तुम्हें महरूमियों और तरसी हुई जिंदगी के अलावा कुछ नहीं दे सकता। अपना आप मुझे एक लूजर का सा लगा, पीछे हट गया मैं, अपनी खुशियों से दस्तबरदार हो गया। बस यही कसूर था मेरा। तुम्हें आसाइशों भरी जिंदगी जीते देखना चाहता था मैं। बस इतना कसूर था मेरा। हो गई शॉपिंग? जी, खाला ने अच्छी खासी शॉपिंग करा दी। हालांकि मैं इतना मना कर रही थी फजूल खर्ची करने से, लेकिन सुनी नहीं रही थी। हाँ भाई, उनके इकलौते बेटे की मंगनी आखिर दिल खोल कर खर्चा करने को। तुम जो बोल रहे हो, अम्मी ऐसा नहीं कर सकती। वो तो बहुत खुश थी हमारी एंगेजमेंट पर। उनकी खुशी सिर्फ दिखावा थी सारा। पर अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, तो मैं अपनी माँ की कसम खा कर कहता हूँ कि मेरा एक एक लफ्ज सच है, मेरे प्यार की तरह। तेरी बेदाद मेरी खामोशी, तेरी बेदाद मेरी खामोशी, तेरी बेदाद मेरी खामोशी, हश्र में इसका फैसला।
आप अब तक तैयार नहीं हुए? ये वाली पहनने अच्छी लगेगी। तुम मशवरे क्यों दे रही हो? आप कंफ्यूज लग रहे थे, इसलिए कह दिया। कंफ्यूज्ड? वो लोग होते हैं जो फैसले लेने में कमजोर होते हैं। मुझे अपने डिसीजंस लेने भी आते हैं और उन पर कायम रहना भी जानता हूं। मेरी वो इंटेंशन नहीं थी, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं तो बस बहस करने का कोई फायदा नहीं है। तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट चाहिए था ना, ये लो। बात समझो खत्म हो गई है। पहले वाली ज्यादा खूबसूरत थी। तुम्हें बस आदत पड़ गई, जो पास हो उस पर शुक्र अदा ना करने की बजाय दूसरी चीजों पर हसरत करो। क्या हो गया है आपको शहीद? बात बात पे ताने देने लगे, इतनी बुराइयां नजर आने लगी है मुझमें। आप अच्छा रोके जरा, इस तरह से मूड ऑफ करके ना जाएं प्लीज। ये ले, अपने हाथों से पहना दे रही प्लीज। और हाँ, माँ से कह देना कि आज मुझे देर हो जाएगी तो खाने पे वो मेरा इंतजार ना करे। क्यों, कोई मीटिंग है आपकी? मीटिंग के अलावा भी और कोई वजह हो सकती है देर होने की? है और हाँ, मैं माँ से कहता हूं कि तुम्हारा डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लें। क्या हुआ, घबरा क्यों गई? नहीं नहीं तो मैं क्यों घबराऊंगी? माए तो अपनी औलाद के लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर देती हैं अम्मी, लेकिन आपने अपनी बहन की खुशियों को ही कुर्बान कर दिया। नहीं सारा, मैं ऐसा कुछ भी क्यों करूंगी? तुम्हें कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। तुम अच्छी तरह तो जानती हो कि यहां से जाने का फैसला रेहान का अपना था। तो फिर खाए मेरे सर की कसम, कसम खाकर कहे कि आप रेहान से मंगनी से पहले नहीं मिलने गई थी। हाँ गई थी मैं उससे मिलने के, लेकिन तब भी मैं तुम्हारी खुशियों की खातिर गई थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि जैसी जिंदगी मैंने गुजारी मेरी बेटी भी वैसी जिंदगी गुजारे। तो क्या गलत किया मैंने? गलत किया अम्मी? आप उससे मिलने गई, आपने गलत किया। आपने उससे मेरी आसाइशों भरी जिंदगी की खातिर कुर्बानी मांगी, आपने उससे भी ज्यादा गलत किया। और अब आप चाहती है कि वो मेरी जिंदगी में वापस शामिल हो जाए? ये आप सबसे बड़ी गलती कर रही है अम्मी। बेटी हूं मैं आपकी, कोई चाबी से चलने वाली गुड़िया नहीं हूं कि जो आपको मेरे लिए सही लगेगा मैं वही करूंगी। मेरी अपनी फीलिंग्स की आपकी नजर में कोई अहमियत नहीं है क्या? सारा, मैंने
जो भी किया वो तुम्हारी खुशियों की खातिर तो किया है। मां होकर भी आप मुझे कभी समझ नहीं सकी अम्मी, अगर समझती तो जो पहले किया वो ना करती और जो अब करने का सोच रही है वो सोचती भी ना। मुझे आपसे ही उम्मीद है सारा। सारा मान, सारा फोन क्यों नहीं उठा रही हूं? सारा मुझे ऑफिस के काम से इमरजेंसी मेल और के लिए निकलना पड़ रहा है, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही हो? कहाँ हो तुम? बारे को आपके मिसेज एक्सपेक्ट कर रही है। ये मेरे हस्बैंड नहीं है। I'm sorry, लेकिन आपको काफी केयर की जरूरत है और जितना ज्यादा मुमकिन हो सके आप अपने आप को स्ट्रेस से दूर रखें। मैं आपको कुछ मेडिसिन लिखकर दे रही हूँ, प्लीज इसे टाइम पे लीजिएगा, ठीक है? अब क्या होगा अगर सारा को जॉब छोड़नी पड़ गई तो? एक्सक्यूज मी, मुझे पेशेंट देखने के लिए जाना है। थैंक यू। खाला मैं बाकी की फॉर्मेलिटीज देख लेता हूँ तो फिर हम घर चलते हैं। मुझे अपने घर जाना है। मैं सुना नहीं अभी डॉक्टर ने क्या कहा? सुना है, यही कहा है ना स्ट्रेस से दूर रहना, इसीलिए कह रही हूँ अपने घर जाना है, मेरी घर नहीं। All right, I'll drop you. क्या हो गया निगत? बाकी बच्चों के पीछे परेशान होते, आखिर कब तक सारा की खुशियों को फीका करोगी? बहुत मुबारक हो बेटा, हम यहाँ पे यहाँ से चले जाए। बेटा खुशी के मौकों पर नाराजगियां बुला देते हैं। ये बातें बुलाने वाली नहीं है। मैं तो चलो फिर भी अली के साथ खुश हूं, लेकिन आपने रेहान का सोचा है? उसकी तो जिंदगी बर्बाद कर दी ना आपने। देखो सारा, अगर तुम खुद को मेरी जगह रखकर सोचोगी तो तुम्हें एहसास हो जाएगा कि मैं इतनी भी गलत नहीं। अम्मी मुझे आपसे बात नहीं। बेटा प्लीज अम्मी यहां से चली जाए, मैं नहीं चाहती कि मैं गुस्से में आपको कुछ बुरा भला बोल दूं, प्लीज। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं चली जाती हूँ, चली जाती हूँ। सर आप एक बार मेरी बात तो सुने, मैंने पूरी कोशिश की कि मैं चला जाऊं, लेकिन सर मैं आपसे कह रहा हूं कि हेलो जान जाएगी।
of PSL 9 live on A Sports.